Hello students, I hope all are you fit and fine. Today we are going to study of separation. Why separation is necessary? Student, आज हम study करेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण करवाना क्यों आवश्यक है. हमने previous class में जो basic introduction था separation कि what is the substance होते क्या हैं, means क्या होता है substance का, टाइप ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. ठीक है, प्योर सब्सटेंस मेड काइंड ऑफ मोलिक्यूल, ओनली वन मोलिक्यूल. ठीक है, ओनली एक ही मोलिक्यूल से बना सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस. ठीक है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मोलिक्यूल तो वो कौन सा होगा, इम्प्योर सब्सटेंस. ओके, इसके बाद हमने मिक्सर पढ़ा था, वो टू टाइप्स ऑफ मिक्सर्स, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस. आज हम पढ़ेंगे वाई सेपरेशन इज नेसेसरी, मतलब जो पदार्थ होते हैं उनका सेपरेशन करवाना, उनका पृथक्करण करवाना क्यों आवश्यक है. देखो, देर आर मैनी मिक्सर्स नेचुरली अक्रिंग एंड आल्सो मैनी मैन मेड मिक्सर्स आल्सो एग्जिट. स्टूडेंट, वी नो डैट, हम जानते हैं कि अधिकतर जो मिक्सर्स होते हैं उनमें अनेक सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं, कुछ टेक्निकल मशीनें होती है उनके द्वारा या मानव मैन मेड द्वारा भी हम मिक्सर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनका पृथक्करण कर सकते हैं. देखो, देर आर मैनी मिक्सर डेट कैन नॉट बी यूज विदाउट रिमूविंग अनवांटेड कंपोनेंट फ्रॉम इट. मतलब कुछ ऐसे मिक्सर भी होते हैं, ठीक है, जिनमें से हम अगर जो अनवांटेड जो कंपोनेंट होते हैं, अनावश्यक जो तत्व होते हैं, अव्यय होते हैं, उनको बिना रिमूव किए हम उनको यूज में नहीं ले सकते हैं. ठीक है, देर आर मैनी रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द अनवॉन्टेड मटेरियल्स आर सेपरेट फ्रॉम द वॉल्यूबल कंपोनेंट्स. देखो, मतलब जो हम अनवॉन्टेड जो मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करवाने के अनेक मेथड होते हैं. देखो, हम क्यों करवाते हैं, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि जो पदार्थों का पृथक्करण करवाना क्यों आवश्यक है. देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, अनवॉन्टेड जो अनवांटेड कंपोनेंट होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए, ठीक है, हम मेथड पढ़ेंगे ना, उनमें डिटेल से पढ़ेंगे. कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हार्मफुल कंपोनेंट्स अवे होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए, इसके अलावा प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए. ठीक है, देखो, फर्स्ट मेथड, सम ऑफ द रीजंस आर डिस्कस बिलो टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स. सबसे फर्स्ट रीजन है अपना कि हम पदार्थों का पृथक्करण क्यों करवाते हैं. जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, उसमें जो अनवांटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए. ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स. जिस मतलब हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे इसको, बेसिकली एक बार देखना है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एग्जाम्पल के रूप में पानी, वाटर होता है, उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करके पीते हैं. अगर मतलब उसको बिना फिल्टर के, तो मतलब कुछ हार्मफुल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें प्रजेंट होते हैं, जिससे अनेक बीमारियां होती है. ठीक है, इसके अलावा टू ऑप्टेन प्योर सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको क्या करते हैं हम, मतलब सेपरेट करवाने के बाद उनसे क्या प्राप्त करते हैं, प्योर सब्सटेंस प्राप्त करते हैं, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करते हैं. इसके बाद फोर पॉइंट पढ़ेंगे टू ऑप्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, उनमें से कुछ अनावश्यक जो अनवांटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस होते हैं, उनको रिमूव करवा कर उनमें से जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऑप्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं. ठीक है, तो इस स्टार्टेड फर्स्ट टॉपिक अपना टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स. देखो, जो अनवांटेड जो कंपोनेंट्स होता है वो हम कैसे एग्जांपल के रूप में लेके देखेंगे. सब्सटेंस लाइक वीट, राइस एंड पल्सेज हैव स्टोन डेट नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम इज बिफोर बीन यूज. मतलब आप ले सकते हैं कि रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स. स्टूडेंट, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम राइस वगैरह बनाते हैं घर पे, तो हमारी जो माता है वो क्या करती है, सबसे पहले उनको क्या करती है, साफ करती है, क्लीन करती है. क्यों? क्योंकि उनमें कुछ कम क्वालिटी में, कम मात्रा में क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उनको क्या करवाती है, जैसे अनवांटेड सब्सटेंस के रूप में, राइस के रूप में क्या क्या आते हैं, स्टोन,
ठीक है, पत्थर कंकड़ वगैरह जिनको अपनी मतलब उनको रिमूव करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा गेहूँ वीट उनमें भी कुछ क्या होते हैं अनवांटेड, कम मात्रा में बहुत अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। इसके अलावा पल्सेज हम जो मार्केट से दाल लाते हैं उनमें भी क्या होता है, उनको भी बनाने से पहले क्या करते हैं, एक बार उनको साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी कुछ अनवांटेड कंपोनेंट के रूप में जैसे कंकड़ स्टोन वगैरह प्रजेंट होते हैं, तो उनको क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, ठीक है। बिफोर यूज करने से पहले फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स, जैसे हम घर पे भी ये करते हैं ये प्रोसेस। सेकंड है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स, मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनमें हार्मफुल अवयव प्रजेंट होते हैं, उनको किस प्रकार रिमूव करवाते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, देर आर मेनी सोल्ट दैट आर डिजोल्व इन सी वाटर, सो मतलब हम क्या करते हैं, देखो सोल्ट वाटर होता है उसको क्या करते हैं, जो ठंडा पानी होता है उसमें डिजोल्व करते हैं, और इसका प्रैक्टिकली हम उपयोग करके देख सकते हैं। सो दी सोल्ट नीड टू बी रिमूव बिफोर वी मेक इन द सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब कभी भी हमारे हम घर पे पानी को उबाल के पीते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर कुछ अनवांटेड जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, और वो पानी हमारे पीने के लिए फिर बिल्कुल सेफ हो जाता है, मतलब सही हो जाता है। इसके बाद है टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, थर्ड पॉइंट अपना कि टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, मतलब कोई कंपोनेंट्स है उनसे हम प्योर सब्सटेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखो, टू ऑब्टेन प्योर मटेरियल फ्रॉम मेटल्स लाइक गोल्ड एंड आयरन इम्प्योरिटीज आर रिमूव फ्रॉम देम, मतलब प्योर सब्सटेंस के रूप में जैसे सोना है, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं कुछ अनवांटेड कंपोनेंट मान लो, सब्सटेंस मान लो, ठीक है, तो सुनार क्या करता है, उसको सबसे पहले उसको तैयार करने से पहले उसको अच्छी तरह से क्या करता है, देखता है कि मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज तो है या नहीं है, अगर है तो उसको रिमूव करता है और क्या करता है, प्योर सब्सटेंस। आपको पता चल जाता है जब हम सोने को देखते हैं, ठीक है, गोल्ड को देखते हैं, अगर उसमें चमक कम है तो इसका मतलब उसमें कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स, ठीक है, या सब्सटेंस प्रजेंट हैं, तो उसको रिमूव करवा के हम प्योर सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखो, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, यूजफुल कंपोनेंट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, क्रैड ऑयल इन ए मिक्सर सो पेट्रोल डीजल केरोसिन एंड नेचुरल गैस सो ऑल द कंपोनेंट इज सेपरेशन फॉर देयर यूजेज, मतलब क्या करते हैं, कुछ मिक्सर्स होते हैं जैसे पेट्रोल गैस है, डीजल्स है, केरोसिन है, उनमें भी क्या होता है, सेपरेशन करवाना, मतलब हम देख सकते हैं कि उनमें भी क्या होती है, अधिकतर क्या करते हैं, वाटर वगैरह क्या होता है उसमें मिक्स होता है, तो उनका भी क्या करवाते हैं, हम सेपरेशन करवा के देखते हैं। तो बस आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि पदार्थों का पृथक्करण करवाने का मीन्स होता है कि उनकी उनके अंदर जो भी उनकी गुणवत्ता, उनकी शुद्धता, ठीक है, और उनकी जो सामर्थ्य होती है उनको प्राप्त करने के लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करवा सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि हम पदार्थों का पृथक्करण इसलिए करवाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि उनमें उनकी क्या क्या गुणवत्ता है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनकी क्या क्या शुद्धता है, ठीक है, इसके आधार पर हम पदार्थों का पृथक्करण करवाते हैं। कुछ अनकंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए, जैसे वाटर है उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया कंपोनेंट्स प्रजेंट होते हैं उनको रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए जैसे गोल्ड है उसमें कुछ मिक्सर से मिक्स होते हैं उनको क्या करवाने के लिए, हमें पता चल जाता है जब भी हम गोल्ड को देखते हैं अगर उसमें चमक कम है तो इसका मतलब वो प्योर कंपोनेंट्स नहीं है, तो फिर क्या करवाते हैं, उसका भी सेपरेशन करवा के देखते हैं। सेपरेशन करवाने के बाद फिर देखते हैं अगर उसमें चमक ढंग से चमक आ रही है तो इसका मतलब वो उसका सेपरेशन हो चुका है, इसका मतलब वो एक तरह से प्योर सब्सटेंस है। बस आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हम पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता एवं उनकी मतलब जो सामर्थ्य होती है, ठीक है, उनको प्राप्त करने के लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करवाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन,
मतलब हम पदार्थों के सेपरेशन के कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.